तो आज मैंने लिया है प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मंजुलिता 1800 रूपए लेकर बाजार गई। उसने 135 रूपए के पर्स, 75 रूपए का रूमाल और 1200 रूपए के कपड़े खरीदती है। हमें बताना है कि अब उसके पास कितने रूपए शेष बचे। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो मंजुलिता के पास 1800 रूपए है, ये हमको दिया है, इसलिए हम दिया है में लिखेंगे। मंजुलिता के पास 1800 रूपए है। मंजुलिता के पास 1800 रूपए है। तो अब हमको क्या क्या करना है, हमको वो बाजार गई यानी कि वो सामान खरीद रही है। तो इसमें सामान खरीद रही है, तो सबसे पहले उसने खरीदा है पर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्स खरीदा या खरीदती है। ठीक है, तो पर्स कितने रुपए का खरीद रही है, 135 रुपए का खरीद रही है। ठीक, पर्स खरीदने के बाद और क्या खरीदी, रुमाल। तो रुमाल खरीद रही है वो, रुमाल खरीदा कितने रुपए में, 75 रुपए में। और कपड़े खरीद रही है, कपड़े खरीदा कितने रुपए में, 1200 रुपए में। ठीक है, ये उसने खरीदा। तो ये खर्च हो गए पैसे, 1800 रुपए था उसके पास, 135 रुपए उसने पर्स में खरीदा तो उसमें खर्च हो गए, 75 रुपए रुमाल खरीदा उसमें खर्च हो गए, और 1200 रुपए का कपड़े खरीदे उसमें खर्च हो गए। ये हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। ठीक है, हमको निकालना है कि उसके पास कितने रुपए बच गए, यानी कि 1800 रुपए में इतने रुपए का वो सामान खरीद रही है, खर्च कर रही है, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे जोड़कर खर्च निकाल लेते हैं। ठीक है, खर्च राशि जोड़ लेंगे, 135 प्लस 75 प्लस 1200। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। आपको जोड़ने से हमारा उत्तर आएगा 1410 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, खर्च राशि, कि मंजुलिता ने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, उसमें से आपने 75 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 25 रुपए। कैसे पता चला, हमने 100 में से 75 को घटा दिया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर मंजुलिता के पास कितने रुपए हैं, 1800 रुपए है, जिसमें से उसने खर्च कितने कर दिए, 1410 रुपए। तो इसे भी हम यदि घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मंजुलिता के पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर घटा देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो हमारा खर्च राशि हो गया, तो क्या लिखेंगे, शेष राशि। शेष राशि क्या करेंगे, 1800 में से 1410, हमने 1800 में से 1410 रुपए को घटा दें, तो कितना आंसर आ जाएगा, 390 रुपए। ठीक है, तो मंजुलिता के पास कितने रुपए शेष बचे, 390 रुपए। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि मंजुलिता के पास 390 रुपए शेष बचे।